और एक बड़ी खबर, गाजियाबाद से सलमान के घर पहुंची लॉरेंस बिश्नोई के नाम बुक की गई कैब। गाजियाबाद से एक शख्स रोहित त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना के बाद असामाजिक तत्व बाज अब तक नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से बुक की गई एक कैब गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने से हड़कंप मच गया और इस बारे में जानकारी मिलते ही वहां के वॉचमैन ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, कैब चालक को हिरासत में लेकर बुकिंग करने वाली जानकारी निकाली गई और फिर उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। अमित राणा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, क्या ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जरा विस्तार से बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई नाम से बुक की गई कैब सलमान के घर पर पहुंची और कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि हमला भी वहां पर किया गया था, एक तरीके से फायरिंग की घटना भी सामने आई थी। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहूंगा, बीते दिनों मुंबई में ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जहां सलमान खान रहते हैं उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी। उसके बाद से जो पुलिस है जगह जगह दबिश दे रही थी। इसी कड़ी में फायरिंग के बाद जब सलमान घर के घर लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नाम आया था, जिसके बाद सुपरस्टार सलमान खान के घर पे जो फायरिंग की घटना को लेकर जो मुंबई पुलिस थी, गाजियाबाद में एक सूचना मिली, जानकारी ये मिली कि जो वहां के लिए जो शुक्रवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कैब बुक की गई थी, जो कैब बुक की गई थी वो जो गाजियाबाद का ही रहने वाला व्यक्ति है, उसने यहां का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और जानकारी ये बताई जा रही है कि रोहित त्यागी नाम का शख्स है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है, इसी ने वो कैब बुक की थी। गाजियाबाद पहुंची मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई और पूछताछ उसके साथ जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए अमित। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।